सो फ्रेंड्स, अमृतसर इज अ फूडीज हेवन। ये स्वर्ग है उन लोगों के लिए जिनको अच्छा खाना पसंद है। और यहाँ पर है हम, वी आर एट केसरदार ढाबा, इट इज ओवर 100 इयर्स ऑफ ग्रेट टेस्ट। व्हाई इट हैज अ ग्रेट टेस्ट, लेट अस फाइंड आउट। कम इनसाइड। I've come here a few times at least, and every time the first thing, the main thing which I look forward to, what excites me, is their kitchen. It's so authentic that it will blow your mind. Come inside. Another thing, this restaurant is always packed, always full. As you can see, people are enjoying their lunch, and this is the way to the kitchen. A good chef or any foodie always loves to have a side of the kitchen, and here we are. You see how organically, how authentically the food is being prepared. ये section भैया यहाँ पे क्या बोलते हैं? ये बन रहा है चना दाल। आइए आपको दिखाएं। ये है चना। चना एक पंजाबी cuisine का main dish है। बहुत पसंद आता है। ये रोटी के साथ भी खाते हैं, छोले भटूरे के साथ भी खाते हैं, पूरी के साथ भी खाते हैं, चावल के साथ भी खाते हैं। हर तरीके की dish के साथ ये enjoy किया जाता है। ये थालियाँ यहाँ पे set है। इनमें अचार, you know the pickle and onion is being set, then all the katoris goes in here. This is the lentil, the dal. ये यहाँ की एक speciality है। अगर किसी एक चीज़ पे कहा जाए केसर का ढाबा चल रहा है, वो है यहाँ की दाल, right? सही बोला। तो ये देखिए, ये यहाँ की दाल है जो कि कैसे पकती है, आप अमेज होंगे। ये 12 घंटे पकी जाती है। ये देखिए, इस हांडी में करीब करीब कितना 400 लीटर कितना बनता होगा? 50 किलो दाल, 200 निकल जाती है। ये 12 घंटे पकी जाती है और सुबह सुबह 4 बजे बनाया जाता है। एक दोपहर में शुरू होती है दाल बनानी। ये देखिए, दोनों साथ के साथ चलते रहते हैं और यहाँ पे कंटिन्यूअसली दाल बनती रहती है। वो पीछे का सेक्शन प्रिपरेशन सेक्शन है। कोई भी पंजाबी खाना हो और साथ के साथ यू नो रोटी योर पराठा इज वेरी मच रिक्वायर्ड, एंड सो इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेस। ये क्या बनाया भैया आपने? लच्छा पराठा। ये लच्छा पराठा है। यू नो आई जस्ट हैड, व्हेनेवर आई हैव कम हियर आई हैव हैड द लच्छा पराठा, दैट्स द माय गो टू मील हियर। ये पूरा जो गली है, ये देखिए, पूरा वहां से लेके यहाँ तक इज ऑल रोटी एंड पराठा। वाओ, दिस मेक्स मी सो हैप्पी, यू नो, to enjoy good meal, to see so many people preparing food with so much of love. This is what makes Kesardar Dhaba what it is. So do come to Kesardar Dhaba, Amritsar. You will enjoy every bit of it. At this place, the kitchen is open. Anybody can come and take a round like I just did. Keep loving the food. Keep loving good places. Vaheguru Ji Da Khalsa, Vaheguru Ji Di Fateh. Sat Sri Akal.